Views, views, reviews, watch time. This is the main topic today. और हर यूट्यूबर इस बारे में सोचता है कैसे रिव्यू मेरे वीडियो पे ज्यादा है, क्या मैं टॉपिक चूज करूं, कौन सा मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए, ये हर यूट्यूबर सोचता है। और होता क्या है, जहां हम बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं कि जब लाखों वीडियो यूट्यूब पर है उसी पर हम बनाने की कोशिश करते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे वीडियो पे कोई व्यूज नहीं आते, बहुत कम वॉच टाइम होता है और हम अपने आप को बहुत ही ऐसा फील करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं या तो, या हम समय बर्बाद कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो आज मैं आपको 10 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जहां पर बहुत ही अच्छे रिव्यूज आते हैं, वॉच टाइम अच्छा आता है। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे टॉपिक मिल पाए। और बहुत जल्दी से हम इसको शुरू करते हैं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वीडियो को पूरा देखें। और नंबर वन पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कुकिंग चैनल्स। कुकिंग के बारे में हम जितना भी कहें, कितना भी कह पाए, बहुत कम है। कुकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप नंबर ऑफ वीडियोस कितने ही बनाए और आप देखेंगे कि कितने सारे सब्जेक्ट कुकिंग के अंदर है। सुबह आप नाश्ते में क्या खाते हैं और डिनर तक क्या खाते हैं, कितने इंडियन फूड्स अवेलेबल है, कितने चाइनीज है, कितने फॉरेन फूड्स है, सबके बारे में अगर हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे तो हजारों वीडियो बना सकते हैं, लाखों नहीं तो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर बहुत सारे व्यूज आते हैं। आप बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स को देखें जो कुकिंग के चैनल चला रहे हैं, उनके चैनल बहुत अच्छे चलते हैं। तो हमारा कुकिंग भी एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। नंबर टू पे जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है म्यूजिक। म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत सारे लोग, हम भी सुनना चाहते हैं, आप भी सब लोग सुनना चाहते हैं। जो म्यूजिक सुना जाता है, देखा जाता है और लोग सर्च करते हैं म्यूजिक को, कौन सा गाना मार्केट में जो आया है अभी लेटेस्ट, किसने इसको बनाया है। तो म्यूजिक के बारे में भी हम इसको बहुत सोच सकते हैं कि हम अपना एक टॉपिक रखें। नंबर थ्री पे हम जाते हैं तो लर्निंग। लर्निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर आदमी सीखना चाहता है। आजकल के टाइम में जब कोरोना है, लॉकडाउन भी कई कई जगह पर चल रहा है, तो हमें अपनी लर्निंग को बढ़ाना है। बहुत सारी एप्स नई है जब हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो लर्निंग एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। नंबर चार पे मैं आपको बताना चाहूंगा, डांस के चैनल्स काफी अच्छे होते हैं। डांस, जो डांस वाले वीडियोस होते हैं वो बहुत ही अच्छे ज्यादा देखे जाते हैं, बहुत तेजी से रिव्यू डेवलप होते हैं उसके अंदर, बहुत जल्दी वॉच टाइम आता है। और डांस एंड म्यूजिक ऐसा सब्जेक्ट है जब लोग उसको लगभग पूरा देखते हैं, तो डांस के वीडियोस पे भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। अगर किसी की हॉबी इस तरीके की है डांस के बारे में, म्यूजिक के बारे में, तो हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। और आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो म्यूजिक और डांस के चैनल्स हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छे व्यूज हैं उसके ऊपर। नंबर फाइव जो कैटेगरी मैं डालना चाहूंगा, प्रैंक्स एंड स्किट्स। बहुत सारे लोग प्रैंक वीडियोज बनाते हैं, फनी वीडियोज बनाते हैं, स्किट्स बनाते हैं, वो भी काफी अच्छा करते हैं, बहुत हजारों व्यूज, लाखों व्यूज उस पर आते हैं। लोग पसंद करते हैं प्रैंक वीडियोस देखना। एक बार को कुछ ऐसे नॉलेज वाले चीज ना देखें, लेकिन प्रैंक वीडियोस और स्किट्स को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ये भी एक टॉपिक हो सकता है हमारा वीडियो बनाने के लिए। नंबर सिक्स पर अगर हम जाए तो डिजाइन एंड आर्ट। आजकल स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम सब घरों पे हैं, कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, तो हम क्या करें, क्रिएटिविटी, डिजाइन एंड आर्ट, मतलब घर में रह करके हम बहुत सारी चीजें पुराने आइटम से कुछ खरीद के भी हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, जहां पे आर्ट के बारे में, डिजाइन के बारे में लेटेस्ट चीजें हम बना सकते हैं। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अनगिनत वीडियो आप इसको बना सकते हैं। आज हमने एक किसी पर्टिकुलर मॉडल पे काम किया, फिर दूसरे मॉडल पे काम करते हैं, तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ढूंढ सकते हैं। नंबर सात पे जो होता है दोस्तों, ये है स्पोर्ट्स का चैनल। स्पोर्ट्स की बात, बहुत हर आदमी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। जब भी हमको लगे कि कोई मैच होने वाला है उसका हम रिव्यू कर सकते हैं, कितना स्कोर हुआ है, क्रिकेट के बारे में सोच सकते हैं, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं, कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है, और सारे सब्जेक्ट को मिला के भी हम अगर चैनल चलाना चाहें या इसको टॉपिक ढूंढते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हमारे को मिल जाएंगे जब हम इस पर बहुत सारे वीडियोस बना सकते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर अनलिमिटेड चैप्टर्स का स्कोप है, जब हम इस पर काम कर सकते हैं
और बहुत सारे वीडियो बना सकते हैं। जितने वीडियो मैं देखता हूँ यूट्यूब पर, स्पोर्ट्स के बहुत ही ज्यादा व्यूज होते हैं, जो हमको काफी सुकून पहुंचाते हैं कि इतने सारे वीडियोज अच्छा कर रहे हैं। हम लोग भी स्पोर्ट्स कैटेगरी को चुन सकते हैं और बहुत सारे वीडियोज बना सकते हैं। बट अगर आप ध्यान दें कि करंट कैटेगरीज पे ज्यादा जाएंगे तो बहुत अच्छे रिव्यूज मिलेंगे। करंट कैटेगरी मीन्स जो मैच होने वाले हैं, जो कमिंग मैच है, जो चल रहे हैं मैचेस ऑलरेडी, उन पे हम वीडियो बना। नंबर 8 पे जो कैटेगरी है वो है एनिमेशन। आज जब बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा नया सीखना चाहते हैं, बहुत सारे हम एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं, एनिमेशन वाले वीडियो बना सकते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत बच्चे देखते हैं। आप उनके टेस्ट और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं, उनकी नॉलेज उनको दे सकते हैं। तो एनिमेशन भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जहां पर वीडियोस बनाए जा सकते हैं, जहां पर बहुत सारे अच्छे व्यूज मिल सकते हैं। नंबर 9 पर रिपेयरिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। अभी लेटेस्ट मेरा एक गीजर खराब हुआ, तो मैंने एक YouTube से सर्च करके उसकी गीजर को ठीक किया, क्योंकि मैकेनिक मिल नहीं रहे थे, जो मिल रहे थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने गीजर के बारे में पूरा सर्च किया, तो वहां पर सारी चीजें उन्होंने सिलसिलेवार बताई, कंपनी वाइज भी बताई हुई है। तो इस तरीके से हम एक सपोज कार हमारे पास में है, कार रिपेयरिंग के बारे में हम लोग पूरा एक कितने ही वीडियो बना सकते हैं, अगर हमारा कोई इंटरेस्ट उस तरीके से है, या हमारा कोई फ्रेंड सर्कल में इस लाइन में है, कार रिपेयरिंग की लाइन में, तो हम उस पर भी काफी वीडियोस बना सकते हैं। और एक 10th कैटेगरी ऐसी होती है रिपेयरिंग के अंदर ही है, वो बाइक रिपेयरिंग की। हालांकि लोग एक्सपर्ट से कराना चाहते हैं पर कई बार फंस जाता है, तो बेसिक नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए कि कार बाइक रिपेयर कैसे होती है, कैसे हम उसको प्लग खोल कर उस पर काम कर सकते हैं, कैसे अगर पंचर लगाना है, टायर उतारना है, तो कैसे उस पर काम करें। तो ये एक कैटेगरी है जहां पर बहुत सारे व्यूज आते हैं और पूरा लोग देखते हैं। ये भी ना सोचें कि लोग स्किप कर कर देखेंगे, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जब लोग शुरू से लेकर लास्ट तक उन चैप्टर्स को, उन वीडियोस को देखना चाहते हैं जो मैंने टॉपिक आपको बताया। तो अभी तक हमने ये कैटेगरीज डिस्कस की हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, नंबर वाइज, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हम इस पर काम कर सकते हैं, अपने वीडियोज बना सकते हैं। और दोस्तों मैं लास्ट में फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे वीडियोस को पूरा देखा है, आपने इसको पसंद किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे आप अनलिमिटेड, अनगिनत और कितने ही ड्यूरेशन का वीडियो बना सकते हैं, लोग इसको पूरा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।